गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी करवा चौथ। और अभी है बज रहे सुबह के 4, तो अभी मैं सर्दी के लिए उठी थी, सोचा चलो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और जो भी आज सारा दिन मैं करूँगी आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। लाइट भी मैंने छोटी वाली जलाई है, बड़ी नहीं जलाई क्योंकि ये सो रहा है तो मैंने ज़्यादा देर डिस्टर्ब हो, तो इसलिए मैंने छोटी चलाई है। और हो सकता है वॉइस भी ना प्रॉपर नहीं आ रही बिकॉज मैंने माइक नहीं लगाया, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, सफाई में इधर उधर हो गया। अभी दिन में ढूंढ के फिर लगा लूँगी, अभी तो ऐसे आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। तो सर की मैं इतनी सुबह तो देखो भूख तो लगती नहीं है, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स और खूब सारा पानी पीऊँगी क्योंकि फिर जब चांद आएगा तभी पानी पीने को मिलेगा, तो ये मैं लूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि चाय या दूध में से कुछ ले लूँगी, बट अभी वो भी मन नहीं कर रहा है, तो अभी सर्गी करते हैं और फिर वापस सो जाते हैं क्योंकि इतनी सुबह सुबह करने के लिए तो कुछ है नहीं। बाद में जो भी घर का काम है वो करेंगे, तो अभी सर्गी करके सोते हैं। तो अब मैं आप लोगों से तैयार होकर फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा लिया है, तैयार हो गई हूँ और घर का सारा काम हो चुका है, ये ऑफिस जा चुके हैं। और क्योंकि आज थर्सडे भी है और तो मुझे वो वाली पूजा भी करनी है, तो इसलिए मैंने येलो सूट पहना है। पहले सोचा था साड़ी पहनूंगी, बट क्योंकि शाम को भी साड़ी पहनूंगी तो फिर अभी मैंने ठीक है चलो अभी सूट पहन लेते हैं, तो इसलिए मैंने सूट पहना है। तो अभी फटाफट से चलते हैं पूजा के लिए, और फिर तो ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, सोच रही हूँ कुछ तो करूँ, पूरा दिन टाइम पास कैसे करूँ, तो देखते हैं कुछ साफ सफाई करेंगे। तो बाकी अभी तो पहले सबसे पहले पूजा के लिए चलते हैं। पीछे गैस पे खिचड़ी चढ़ी हुई है मम्मी के लिए, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अभी मुझे करवा भरना है, नेल पेंट लगानी है, बिछिया चेंज करनी है, छोटे छोटे से काम है जो मुझे करने हैं, तो ये कर लेते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूँ। जब भी ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी उठना होता है तो मुझे नींद नहीं आती, हर आधे घंटे में फ़ोन चेक करते हुए कितना बज गया कितना बज गया, उस वजह से। और सुबह जब मैंने सर्गी करी उसके बाद भी फिर मुझे नींद नहीं आई, तो कल पूरी रात ऐसे ही ख़राब हुई है मेरी। मेहंदी मैंने ही लगाई है इसलिए ऐसे लगी हुई है, हाथों में मैंने लगवाई थी कल। और ये बिछिया मुझे अभी जब मैं घर पे गई थी ना तो मम्मी ने दिलवाए थे मुझे। पहले बड़े बड़े बिछिया अच्छे नहीं लगते थे पर मुझे ये वहाँ पे काफ़ी पसंद आया, तो फिर मैंने ये ले लिए। मैं लेने तो छोटे गई थी, फिर मैंने ये बड़े ही ले लिए, अच्छे लग रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले तक मेरे नेल्स इतने बड़े थे पैरों के, मैंने सोचा था अच्छे लगेंगे बिछिया वगैरह पहनूंगी। और मतलब अभी देखो जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा सा होता है तो ये नेल्स पहले टूटते हैं, हाथों के बच्चे हैं बस। तभी बच रहे हैं शाम के 6 और मैं सोच रही हूँ तैयार होना शुरू कर देती हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और पूजा वगैरह भी जो मुझे करनी है उसमें भी टाइम लगेगा। और चांद जो है ऐसा बोल रहे हैं कि 8:21 पे आएगा, न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि 8:21 तक आ जाएगा, तो तब तक पूजा वगैरह करते हैं और काफ़ी सारी रील्स बनाते हैं। अभी तो मैं सोच रही हूँ, देखते हैं बना पाती हूँ कि नहीं, काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा बनाया भी नहीं है, तो रील्स बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो अभी मैं पहन रही हूँ ये चुनरी और यहाँ पे है कुछ ज्वेलरी जो मैं पहनूंगी, और यहाँ पे है पिछोड़ा जो कि हमारे उत्तराखंड में जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाद
कुछ भी छोटा सा लेके बड़ा जो भी पूजा होती है उसमें ये पहनना जरूरी होता है, अच्छा माना जाता है, और ये मुझे पहनना काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए ये मैं पहनूंगी। और यहाँ पे पूजा का कुछ सामान, तो अभी जैसे तैसे मैंने साड़ी तो पहन ली है, मतलब मुझे आधा घंटा हो गया इसे पहनने में। मैंने कभी इस तरीके से पहनी नहीं, और मुझे लग रहा है अभी भी सही से नहीं पहनी। अब फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि 7 बजने वाले, मैंने आपको 6 बजे बोला था, 7 बजने वाले, तो अभी फटाफट से तैयार होते हैं। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, इतनी जल्दी तैयार तो भगवान, मतलब हमेशा मैं सोचती हूँ आराम से तैयार होंगी, बट लेट हो ही जाती हूँ। एक आंख में लाइनर किधर जा रहा है, एक में किधर जा रहा है, बट ठीक है, अभी मैं तैयार हो गई हूँ। और अभी फटाफट से पूजा के लिए चलते हैं क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और चांद भी, मतलब आधा घंटा मुझे लगेगा तब तक शायद चांद भी आ जाए, तो चलिए पूजा के लिए चलते हैं। तो अभी मेरी पूजा हो गई है और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी रील्स बना लेती हूँ, चांद आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो रील्स वगैरह बना लेते हैं और फिर चांद का वेट करते हैं। अभी देख के आते हैं बाहर चांद आया है कि नहीं, तो उससे पहले मैं रील्स बना लेती हूँ। आपको ये रील्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, ये रही मेरी इंस्टा आईडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दूर दूर तक कोई चंदा मामा नहीं है, तो फाइनली चंदा मामा आ गए, थोड़ा सा लेट आए बट आ गए, और इस बार पूरा चांद दिख रहा है। तो अभी मैंने अर्घ वगैरह दे दिया है और चेंज भी कर लिया है, और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। भूख तो नहीं लग रही है, भूख मुझे वैसे सारा दिन भी नहीं लगी, बस अभी शाम को थोड़ी सी प्यास लगी थी, तो अभी चलते हैं पहले खाना खाने के लिए, और उसके बाद जितना भी पहना था उसे समेटेंगे, पूरे रूम में ऐसा बिखरा हुआ है, तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। बड़ी बड़ी होती है।
होगी व्रत की समाप्ति। तो अभी हम घर वापस आ चुके हैं, हमारा डिनर हो गया और अब भाई बज रहे हैं 10:30 और अब आ रही मुझे बहुत तेज नींद। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।